रिटायरमेंट तो जनरली आपका साल के एंड में ही होता है, पर डेथ जो है वो तो बता के नहीं होगी, या वो तो नहीं बोलेगी कि भाई रुक जा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने दे उसके बाद मर लू, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है, और अगर ऐसी हो सकती तो कभी डेथ होती नहीं। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है छठा दिन, और छठे दिन पे हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि आज अपन बात करने वाले हैं भैया रियलाइजेशन की। रियलाइजेशन का अकाउंट समझाने वाला हूँ, साथ साथ ये बताने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं, एंड एट दी एंड आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता लग जाएगा। इस बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से अपन करते हैं शुरू, और खत्म करते हैं आपके वो सारे डाउट जो कि आपने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले रियलाइजेशन, जब भी फर्म का रियलाइजेशन होता है, कंपनी बंद हो जाती है, पार्टनर्स का खत्म हो जाता है, तो भाई उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी होती है जहां पे हमने सारे एसेट्स जो है वो इकट्ठे करो और बेच डालो, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट कर डालो, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट ऑल्दो बच जाता है तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, और अगर नहीं बचता है, कम पड़ जाता है, तो वो पार्टनर से ले लिया जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें पूरे के पूरे नंबर आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ करने हैं दो चार काम जो कि मैं अभी बता देता हूं। क्या करना है, बैलेंस शीट उठाओ, सारे थर्ड पार्टी एसेट्स को उठाओ और एक तरफ पटक दो एक कमरे में, वो कमरा है आपका रियलाइजेशन। कौन सा कमरा है, वो कमरा है आपका रियलाइजेशन। करनी है कौन सी एंट्री, वो एंट्री आपकी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट, यानी सारे एसेट्स को लिख दो, ठीक है, कंसर्न एसेट, कैश और बैंक बैलेंस मत लिख देना, वो उसको नहीं बेचते, ऐसा नहीं है 10 रुपए का नोट ले लो ऐसा काम नहीं करते अपन, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। साथ साथ जितनी भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी भी आप रियलाइजेशन के कमरे में भर डालोगे, उसकी एंट्री क्या होती है, कंसर्न लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, ठीक है। और अगर अकाउंट की बात करें तो यहां आपके आ जाती है क्या लाइबिलिटीज, और यहां सारे एसेट्स आपके लिख दोगे, सबसे पहला काम। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, ये है वो कमरा जो कि रियलाइजेशन नाम का है, ठीक है, जिसमें एक तरफ आपने पटक दिए सारे के सारे एसेट्स और दूसरी तरफ पटक दी सारी की सारी लाइबिलिटी। अब आप क्या करेंगे, उनको बेचना चालू करेंगे, अब आप उनको बेचना चालू करेंगे। अब बेचना कैसे है, देखो ध्यान से समझना, व्हेन यू ट्रांसफर द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट और व्हेन यू ट्रांसफर द लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, आपकी किताबों में से उस एसेट्स का और उस लाइबिलिटी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, यानी कि अब आप जब उसको बेचोगे तो आप अपनी किताबों में मशीनरी सोल्ड नहीं दिखाओगे, आप ये दिखाओगे कि उस रियलाइजेशन के कमरे में से कुछ गया जिससे कैश आ गया। यानी कि अगर आपने मान लो कोई मशीन बेची है और उससे आपको पैसे मिले, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जनरल एंट्री करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जनरली पूछ ली जाती है। आप यहां पे ये नहीं बताएंगे कि आपने मशीन बेची है, आप सिर्फ ये बताएंगे कि रियलाइजेशन का कमरा था, उस कमरे में से कुछ गया और आपके पास पैसे आ गए। व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहां पे आप सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दोगे, बाय क्रेडिटर्स हो गया, बाय बिल्स पेबल हो गया, सारी की सारी जितनी भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, यहां सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दोगे टू मशीन टू बिल्डिंग और जो भी एसेट्स होंगे। अब जब बारी आती है बेचने की, तो हम उसको बेचेंगे कैसे, बड़ा आसान है, आपने बस क्या करना है, क्वेश्चन में भाई देखा कि भैया मशीन इतने में गई, तो आप यहां लिखोगे बाय कैश या बैंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिख देना मशीन लिखने की इच्छा हो तो, और यहां लिख दिया अमाउंट। कोई भी एसेट बेचोगे बाय कैश करके यहां लिख दोगे, कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे टू कैश या टू बैंक करके यहां लिख देंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलवेज से कि भाई हमेशा याद रखे कि आप लोग सारे अकाउंट साथ में बनाए, एंड इन केस ऑफ रियलाइजेशन अगर यहां पर यह बात मेरी नहीं मानी ना तो फंस जाओगे, इतना गंदा फंस जाओगे कि रियलाइजेशन का क्वेश्चन करने में एक साल लगाओगे,
अगर देखो जनरली तो आपका ये पूछा जाता है क्या कि जनरल एंट्री कर लो, जनरल एंट्री बता दी मैंने छोटी मोटी थी, बट अगर आपको अकाउंट बनाना सीखना है तो यहाँ ध्यान से समझना, जनरल एंट्री में बता देता हूँ। ठीक है, देखो आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक है रियलाइजेशन, एक है पार्टनर्स कैपिटल, एक हो जाएगा आपका कैश और बैंक, और बुरा भटका जो हो जाता है कभी कभी एक पार्टनर्स का लोन आ जाता है, पार्टनर लोन, पार्टनर की लुगाई का लोन नहीं, पार्टनर के पड़ोसी का लोन नहीं, बी वाइफ लोन, वो भी थर्ड पार्टी लोन है, वो यही ट्रांसफर हो जाता है। अब समझना मैं ये बनाने को क्यों कह रहा हूं, जब आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज उठा के यहाँ पटक देंगे, बाय 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 करके यहाँ, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं जिनका कुछ नहीं होने वाला वो सब यहाँ पटक देंगे, इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल भी यही आएगी, बटेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब तो कंप्लीट हो गई, गुडविल बची कहा, ठीक है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, गो थ्रू इट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजिंग फैक्टर पूछा भी गया था, पीवीडी, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जैसे मान लो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें डेटर दे रखे 10,000 रुपए के, ठीक है, लेस कर रखा है पीवीडी 1,000 रुपए का और टोटल आपको बैलेंस शीट में बाहर दे रखा है 9,000 रुपए, तो लोग कंफ्यूज है कि सर हम 10,000 रुपए ट्रांसफर करें या 9,000 रुपए ट्रांसफर करें, तो आपको करना यह है कि 10,000 रुपए आप ट्रांसफर कीजिए डेटर के नाम से, 1,000 रुपए पीवीडी के नाम से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको सारे के सारे अकाउंट एक साथ बनाने हैं, वहां ध्यान से समझना, जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यहां बैंक का जो बैलेंस होगा वो आप यहां लिख सकते हैं, क्या टू बैलेंस यहां आता है, ऐसे साइड टू बैलेंस जितना भी होगा यहां लिख दिया, अब समझो, ठीक है, कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में हो वो, ठीक है, कैश और बैंक दोनों हो जाते हैं, दोनों को जोड़ के आप अपनी इच्छा से कोई भी बना सकते हैं, अब समझ लो। अब मैं क्यों बोलता हूं कि एक साथ बनाना, मान लेते हैं कि मशीन भी बिक गई 5,000, कहीं भी नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, कहीं नहीं देखना है कि लॉस कितना हुआ, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपको यह नहीं है कि 10,000 की मशीन 8,000 में गई तो सर 2,000 का लॉस कहां लिखूं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन P&L अकाउंट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अब आपकी कंपनी बंद हो गई है, आपको बस छोड़ छाड़ के जो मिले उसको ले लो, जो बचा उसकी पेमेंट करो, भाग लो मतलब भाग जाओ मतलब खत्म करो कंपनी को, तो हमें यहां पेमेंट से मतलब है, प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं मशीन जो है वो 8,000 में बिक गई, तो आप क्या लिखेंगे, बाय कैश, यहां लिखा 8,000 रुपए, अब हैंड टू हैंड कैश के अकाउंट में यहां लिख दो टू रियलाइजेशन 8,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख देना मशीन, इससे फायदे बहुत सारे गाइस, सिंगल अकाउंट बनाने में बहुत नुकसान है, आपको बार बार देखना पड़ेगा ये कहां गया, फिर इसकी एंट्री पोस्ट तो ऐसे कर रही है ना, तो साथ में कर लो, ठीक है। एक चीज और, एंट्री जनरल एंट्री पूछते तो बड़ा आसान है, देखो जनरल एंट्री बनाना, रियलाइजेशन क्या है, तो रियलाइजेशन में पेमेंट कर रहे हैं, बाय कैश है, जनरल एंट्री में बाय नहीं आता, या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में कैश लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड रियलाइजेशन है और कैश लिखा हुआ मतलब कैश डेबिट साइड, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द एंट्री ऑफ बैलेंसेस, कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द एंट्री ट्वाइस, अगर आपने यहां इसकी एंट्री कर दी तो यहां इसकी एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि एक ही बात है, एक एंट्री दो जगह पोस्ट होती है, एक ये कैश के खाते में गई, एक ये रियलाइजेशन के खाते में गई, सिंगल पोस्टिंग है, ठीक है ना। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो उसकी पोस्टिंग कहां होगी, बाय ट्रांसफर क्या होगा, उसके अपोजिट में पेमेंट, ए ले गया तो बाय ए इज कैपिटल, ठीक है। अब यहां बाय है तो ये ए के कैपिटल में जाएगा, बाय साइड नहीं उल्टी साइड, टू साइड, टू कहां से आया है, रियलाइजेशन से, ब्रैकेट में अमाउंट लिख दिया। कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले गया, लाइबिलिटी क्या ट्रांसफर हुई है, लाइबिलिटी की पेमेंट उल्टी साइड होगी, टू मान लेते बी ले गया, बी इज कैपिटल, बी के रियलाइजेशन में टू बी कैपिटल, तो बी की तरफ में आएगा बाय साइड, बाय रियलाइजेशन बी, ठीक, बैलेंस सबसे पहले ऊपर आएगा कैपिटल का जो आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, एक कुछ और चीजें हैं जो कि आपको समझाता हूं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो ये है कि अगर कोई एसेट है जिसकी रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन है तो आप उसको नहीं पे करेंगे, यानी कि मशीनरी आपको यहां लिखी हुई है और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मशीनरी की कितनी पेमेंट की गई है, तो आप पेमेंट मशीनरी की नहीं करोगे, आपके हिसाब से वो कबाड़ थी जो कोई चुरा ले गया। हाँ, पर अगर ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट बनती है, यानी कि मान लो क्रेडिटर हैं उनकी पेमेंट नहीं की गई है, तो आपको क्रेडिटर को फुल पैसे चुकाने, लेनदार कभी नहीं बोलता,
आपको क्रेडिटर को फुल पैसे चुकाने हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का अमाउंट लिखा है 50,000 रुपए और ये बोला ही नहीं गया कि क्रेडिटर ने कितने पैसे लिए, तो आपको दिखाना है यहाँ 2 cash 50,000 पैकेट में क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि लेनदार कभी नहीं छोड़ता, देने वाला मना कर देता है, पर लेने वाला कभी नहीं मना छोड़ता। तो यहाँ पे अगर कोई लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसकी भी आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, जैसा कि मैंने पीबीडी में बताया था कि यहाँ पीबीडी है तो पीबीडी की पेमेंट नहीं की जाती, ये चीज याद रखना, पीबीडी की पेमेंट नहीं होती है, तो पीबीडी की पेमेंट करने मत लग जाना क्योंकि वो रिजर्व है, वो आपका फायदा है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, यहां आते हैं लास्ट और बहुत जरूरी चीज जो छोड़ देते हैं, पार्टनर्स लोन। जनरली तो आप लोगों को ये सिखाया गया होगा कि आप पार्टनर का अगर कोई लोन आ जाता है, पार्टनर का, उसकी वाइफ का नहीं, उसके घर वालों का नहीं, पार्टनर का अगर कोई लोन आ जाता है तो आप बना लो यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, पार्टनर का लोन अकाउंट बना लो। हाँ, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हो या आपको ऐसा सिखाया गया है कि आप ना बनाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैश के खाते में बाय पार्टनर्स लोन करके यहां लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितनी भी पेमेंट हुई है यहां लिख दो, कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं तो कम ज्यादा करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है, बेल का है शायद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली नाम, तो उसका केस था कि भाई 2,000-3,000 का लोन था और वो बंदा 2,500 में मान गया, 3,000 का लोन था वो बंदा 2,500 में मान गया, तो इसका मतलब आपकी जेब से गए 2,500 रुपए और 500 रुपए का हो गया प्रॉफिट। तो उसको कैसे दिखाते हैं वो भी समझ लीजिए। आपने बेल का लोन अकाउंट बनाया, यहां लिखा बाय बैलेंस 3,000 रुपए था, उसको आपने 2 cash कितना दिया 2,500 रुपए, 500 रुपए बच गए, तो 2 realization 500 रुपए आप लिख देंगे कि 500 रुपए का फायदा हो गया। यहां पे कैश के खाते में या 2 में कैश है तो कैश के खाते में बाय जाएगा, इसके नाम से बाय पार्टनर्स कैपिटल 2,500, पार्टनर्स लोन 2,500 रुपए, बेल का लोन, और रियलाइजेशन में यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन कितना 500 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये गाइस कुछ चीजें हैं जो कि आपको रियलाइजेशन करते समय याद रखनी है। देखो मोस्ट प्रोबेबली इस चीज का हम याद रखें कि रियलाइजेशन का क्वेश्चन लिटरली बहुत आसान होता है, उस क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता। हाँ, उस क्वेश्चन को करने में एक ही चीज की कंफ्यूजिंग होती है, वो है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के टाइम पर आप फंस जाते हो, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत फंस जाता था, क्योंकि कैलकुलेशन इज समवॉट कि आपके सीधे सीधे आंसर को भी गलत कर देगी, और अगर आपने रियलाइजेशन की कैलकुलेशन में गलती करी पूरा आंसर गलत हो जाएगा, शायद आपने सब कुछ सही लिखा हो फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, आंसर के पूरे मार्क्स नहीं होते, ये मैं सोच रहा था 6 marks 8 marks आंसर के होते हैं, आंसर के सिर्फ 1 या 2 marks होते हैं, बट हमेशा याद रखो आंसर लिखना जरूरी है भाया, अगर आंसर नहीं लिखोगे ना टीचर शायद 1 number एक्स्ट्रा ही काट लेगा, क्योंकि उसको क्या पता कि आपने सब कुछ सही किया, वो बैठ के आपकी एक एक एंट्री मैच नहीं करने वाला, आंसर से उसको हाँ इतना अंदाजा लग जाता है कि बंदे ने सही किया या गलत, और 4-6 एंट्री समझने के बाद वो ये पता लगा लेता है कि हाँ सर बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो आंसर की बात कैसे है, तो ऑलवेज रिमेम्बर, 10 बार बोल चुका हूं, 11 बार फिर बोलूंगा, जैसे अमाउंट का कॉलम, आपको पता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1,00,000 रुपए तक जाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, या 10,00,000 रुपए या मान लो 8,00,000 तक जाना है, तो आप अमाउंट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, गैप छोड़ो अमाउंट में, अमाउंट का कॉलम बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि अमाउंट का कॉलम छोटा सा बना लेते हैं, फिर उसमें यूं मैंने चीते की तरह बनाते रहते हैं, क्या करते हैं अमाउंट का कॉलम यूं बना लिया, फिर उसमें 8,00,000 इधर है, 1,00,000 बाहर जा रहा है उनका, ऐसी गलतियां मत करना, अमाउंट का कॉलम सही बनाओ, उसको स्पेस दो, क्योंकि अगर आप उसको स्पेस नहीं दोगे तो आप कैलकुलेशन करते टाइम वहीं फंस जाओगे। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं पर्टिकुलर को इतना बड़ा कर लेते हैं, ये बन गया पर्टिकुलर सर, ठीक है, यहां दिख रहा है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल इतना ही आ रहा है, इतनी स्पेस खाली है, तो आपने इतनी स्पेस किस लिए छोड़ी है, टीचर आके यहाँ पे और चीजें नहीं लिखने वाला है, तो मेक श्योर कि आप अमाउंट के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि आप अपने अमाउंट को प्रॉपरली वहां पे लिख सके, जितना जरूरी पर्टिकुलर है उतना ही जरूरी अमाउंट है। देखो 8,00,000 छोड़ो जगह,
या मैंने कॉमा को थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ी है सो दैट वाइल कैलकुलेटिंग आई एम फेमिलियर अबाउट कि कौन सी वंस प्लेस है, कौन सी टेंस प्लेस है और कौन सी हंड्रेड प्लेस है। ठीक है, मोर ओवर इसके बाद अगर आपको 500 लिखना है तो ऐसे मत करना, ये करो 2000 लिखना है, दो लिखा गैप छोड़ा देन 1000 लिखा। ठीक है, यू आर फेमिलियर, इतना की गैप मत छोड़ देना, ये मत कर देना टीचर बोलेगा भाई 2020 में मैं लगा दूं क्या। थोड़ी सी आप इतनी करो कि आप लोगों को समझ में आए, पांच मान लो 13000 लिखना है, नाउ यू आर फेमिलियर कि आपको क्या है जी कॉमन, जिससे मान लो ये देखो अप्रोक्सीमेट में लगाओ तो ये करीब करीब सीधा जाएगा, थोड़ा सा और इसको अगर मैं दिखा लूं, भाई मेरे को भी आदत नहीं है यार। अब इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट यू जस्ट कैलकुलेट 0005 दैट इज 5,15,500। ठीक है, यू आर रेडी टू कैलकुलेट इफ यू राइट द टर्म्स लाइक दिस। और अगर आप वो लिखोगे ना, लिखो करो कैलकुलेट तुम्हारी तो करो लो, एक साल लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में, क्यों, क्योंकि आप लोगों को फिर वापस से इसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। फिर करते हैं 13, 2, 15, 15 और 500, 15, 500, ये तब करो जब कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। मैं हाँ मैं ऐसे ही करता हूं 15 और 15, 500, क्योंकि यार मैं बहुत टाइम से कैलकुलेशन कर रहा हूं और प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हाँ कुछ बोर्ड है शायद ICSE में होता है नहीं, किसी एक दो बोर्ड में है कि आप कैलसी का यूज कर सकते हैं, बट रदर दैट आप बिल्कुल भी ना करो यार मेरी मानो तो कैलसी का यूज, अगर आप CBSE मोस्ट स्पेशली बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी कैलसी, अब वो टाइम है जहां आपकी सारी स्किल बढ़ने का टाइम है, अब आपकी सारी जो स्किल्स है ना जो छुपी हुई है अंदर, जो है ना जो इधर उधर की नेतागिरी में, जो स्कूल में टशन मारने में और जो टाई का नॉट ढीली करने में जो निकाली थी ना, वो सारी की सारी स्किल अब इकट्ठी होकर पढ़ाई की तरफ जा रही है आप लोगों की। तो हमेशा याद रखो जितना ज्यादा अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हो उतना ज्यादा एनहांस करो, फोकस सिर्फ क्वेश्चन खत्म करने में नहीं डालना, फोकस क्वेश्चन अटेम्प्टेशन में भी डालना है। ठीक है, तो अपनी स्किल को सुधारो, हमेशा याद रखो कैलकुलेशन जितना बढ़िया तरीके से जितनी एक्यूरेट कर सकते हो, जल्दी और एक्यूरेसी बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। एक्यूरेटली अगर आप जल्दी कर लेते हो दैट्स गुड। ठीक है, पर आप बोलो कि मैं जल्दी कर रहा हूं, दूसरा बोलो मैं एक्यूरेट कर रहा हूं, एक्यूरेट करने वाला ज्यादा बढ़िया क्योंकि उसका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है जल्दी में कुछ छोड़ दो, तो कुछ ऐसा करो जैसा कि मैंने अभी वो तरीका बताया जिससे आप जल्दी भी कर पा रहे हो और एक्यूरेसी में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, वरना करते तो हम क्या है, पीछे वाला पेज को बनाया रफ पेज और वही अमाउंट जो सारे रियलाइजेशन में लिखे थे वो सारे के सारे छाप दिए उसमें और वापस से कर दिया, क्या होगा 10 मिनट 15 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ध्यान रखें, कुछ चीजें बता देता हूं, जिन लोगों का चैप्टर हो गया है खत्म, जो लोग यहाँ रिवीजन करने आए थे और जिन लोगों की डाउट्स की क्लियरेंस हुई है वो पीडीएफ में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, वहां क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं, उन क्वेश्चंस को जाके देखो करो और देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत, आंसर सही आएगा या गलत यहां से पता लग जाएगा। योर कैश अकाउंट मस्ट बी मैच्ड, आपका कैश अकाउंट मैच किया जाएगा, पक्की बात है, बराबर आएगा एज ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि आप जो पार्टनर, हाँ एक चीज लगी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा आप उसको टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, आप उसको टू कैश या बाय कैश के नाम से लिखेंगे और उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में करेंगे, एंड देन कैश अकाउंट मैच करना चाहिए। अगर मैच करता है तो आप सही हैं, नहीं करता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर है। ठीक है, चलिए, और जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है रियलाइजेशन अकाउंट, जिन लोगों को ABCD भी नहीं पता रियलाइजेशन अकाउंट की, तो गाइज आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ चैप्टर वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं जहां पे हमने पूरे पूरे चैप्टर्स को डीपली एक्सप्लेन किया है चार वीडियो के अंदर, तो आप उनको देखो देन आप रिविजन पे आओ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो जाए और आप उस PDF को करने में सक्षम हो जाए जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास से मिलेंगे शेयर कैपिटल की चीजों को लेकर, बताऊंगा फोरफीचर और इश्यूज रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपके टॉपिक को जल्दी कवर करेंगे और आपको 10 से 15 मिनट जल्दी कर देंगे आपके बाकी स्टूडेंट से जो कि शायद अकाउंट अड्डा पे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल से मिलेंगे, मेक श्योर की शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, जिनके भी सॉल्यूशंस आप चाहते हैं उन सबको यहाँ आज की डिस्क्रिप्शन में लिख दें ताकि हम कल उससे रिलेटेड ही वीडियो बना दें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।